भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में शामिल राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट का इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। इसकी टाइमिंग बेहद अहम है। एन बिहार चुनाव के पहले पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है। इस नई टीम में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। कर्नाटक के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को पूनम महाजन की जगह भाजयुमो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से रायशुमारी के बाद अपनी बहुप्रतीक्षित टीम का ऐलान किया है। नड्डा ने 12 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 को राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 3 लोगों को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और 13 को राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। इसके अलावा 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों में भी राष्ट्रीय अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, रघुवर दास, राधा मोहन सिंह और मुकुल रॉय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता कैलाश विजय वर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अगर बात यूपी की करें तो कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इलाहाबाद के अमित मालवीय को राष्ट्रीय आईटी और सोशल मीडिया का प्रमुख एक बार फिर बनाया गया है। सांसद राजकुमार चाहर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बरेली के राजेश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी से सांसद रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अरुण सिंह पहले की तरह एक बार फिर राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। फूलपुर के सांसद विनोद सोनकर और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट में यूपी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, सैयद जफर इस्लाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।